सभी वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैं उनके नाम देखूंगा और जो 7 घंटे के सेशन में कम से कम 6 घंटे के जो सेशन अटेंड करेंगे उनको ही हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गूगल फॉर्म के थ्रू एक एग्जाम लेंगे और जो पास होंगे उनको हम उनके कॉम्प्लीमेंट्री उनको एक सर्टिफिकेट देंगे। पर उसके लिए कुछ हमने कुछ एक नियम बनाए, उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। केवल जो लोग सेशन अटेंड करना चाहेंगे वो ऐसी कोई सर्टिफिकेट या एग्जाम देने की उनकी इच्छा नहीं होगी, वो वैसे ही जा सकते हैं, हम उनको कोई कंपेल नहीं करेंगे। तो देखिए आज के समय में मैं फिर आपको इंट्रोडक्शन टू मर्मा पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहली बात जो है आप देखिए कि ऐसी आज के समय में आप देखिए कि वर्तमान समय में आज नई नई बीमारियां हमारे समक्ष आ रही हैं, जिनमें आपके समक्ष हर समय एक नया वायरस एक नए नाम से आ रहा है, तो कभी COVID-19 के नाम से आ रहा है, कभी COVID-20 के नाम से आ रहा है। एक चीज जो बहुत सामान्य है, जो सभी लोग जिस बात को मानते हैं, वो बात ये है कि आपको इन वायरसेस से, इन प्रोटोजोअन से, इन बहुत सारे ऐसे आने वाले बीजों से बचना है तो आपको एक और एक चीज जरूर देखना है कि आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है। तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां इसमें काम करती हैं और बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां ये क्लेम करती हैं कि हाँ हम मानव स्वास्थ्य के संरक्षण में कार्य करते हैं, हम हमारे प्रयोग से इम्यूनिटी बढ़ सकती है, जिसको आयुर्वेद भी क्लेम करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए मर्म विज्ञान जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मर्म विज्ञान की अगर आप डिटेल हिस्ट्री में जाएं तो ये जो विधा है ये शल्य तंत्र से ये निकली है और शल्य तंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आपको जानना चाहिए तो जान में जाने, जो लोग पिछला हमारा सेशन अटेंड किए हैं वो ये सब बात सुन चुके हैं, वो एडवांस कोर्स में नई चीजें सीख रहे हैं। तो मेरा ये बताना है कि शल्य तंत्र सर्जरी बहुत एडवांस टेक्निक थी हमारे देश की और शल्य तंत्र इतना प्रैक्टिकल था कि महर्षि सुश्रुत उस जमाने में बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी करते थे। यदि आप महर्षि सुश्रुत के फोटोग्राफ्स को देखें तो उनके वही फोटोग्राफ्स फेमस हैं जिसमें वो ब्रेन की सर्जरी कर रहे हैं। तो जो सर्जन थे, हमेशा आप ध्यान रखिए कि सर्जन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। मैं काय चिकित्सक हूं लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सर्जन होते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो सर्जन ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस हमेशा इस बात को गौर करते थे कि शरीर के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं, क्योंकि ऑपरेट करते समय ऐसा होता होगा कि किसी ऑपरेशन में सब कुछ अच्छा रहा पर शरीर के कोई हिस्से में कोई चीज कट गई, कहीं कोई नस कट गई या कहीं कोई ऐसी स्नायु कट गई, तो व्यक्ति की सब कुछ सही होने के बाद भी मृत्यु हो गई। ये बात आज के मॉडर्न सर्जन भी मानते हैं और इसी बात को हमारे महर्षि सुश्रुत भी सर्जन थे तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। महर्षि सुश्रुत ने देखा जब सर्जरी के दौरान कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर आघात होने से या तो तत्काल मृत्यु हो जाती है या कुछ समय बाद मृत्यु होती है, या वहां पे अगर आघात हो जाए तो डिसेबिलिटी होती है, या फिर वहां आघात हो जाए तो बहुत लंबे समय तक वेदना होती है। ये बात महर्षि सुश्रुत ने फील की। तो उस आधार पर अगर आप कहें कि ये जो मर्म चिकित्सा है या मर्म विज्ञान है इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो महर्षि सुश्रुत द्वारा प्रणीत ग्रंथ सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान के अध्याय 6 में इस मर्मों का वर्णन मिलता है। ये पहला आपको इंट्रोडक्शन है इस विज्ञान का। दूसरा आपसे सवाल उठता है कि भाई डॉक्टर साहब, महर्षि सुश्रुत की संहिता में या कहीं किसी और चरक संहिता में जो आयुर्वेद की संहिताएं हैं, क्या उसमें कहीं इसकी चिकित्सा का वर्णन मिलता है? तो आपका उत्तर ये होगा कि देखिए, चूंकि ये बिंदु बहुत वाइटल थे, महर्षि चरक ने भी प्रीमर्मीय चिकित्सा अध्याय में 3 मर्म बिंदुओं को बहुत महत्व दिया है, हृदय, बस्ती और सिर, उन 3 मर्मों को कहा है कि ये मर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। महर्षि सुश्रुत ने 107 मर्मों के बारे में बात बताई है, 107 जो फिगर दिया है वो मर्म बिंदुओं के बारे में बताया है, उनको क्लासिफाई किया है, उनके बारे में बताया है कि ये मर्मों का क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, आपको समझना चाहिए कि मर्म होते क्या है, व्हाट इज द मर्मा पॉइंट्स। तो आपका उत्तर होगा कि मर्म वो बिंदु हैं, वो एरियाज हैं, वो वाइटल पॉइंट्स हैं जहां मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, इन सभी का सम्मेलन होता है।
सभी एक साथ मिलते हैं, वो बिंदु मर्म है। मर्म वो मर्म मर्म क्षेत्र है, ये मर्म स्थान है कहेंगे। तो मर्म बिंदु क्या है आपके बारे में एक सवाल आता है, तो उन जगहों पे कुछ ऐसे स्पेसिफिकली लोकेटेड पॉइंट डिसाइडेड किए गए हैं जिन बिंदुओं पर यदि हर चीज का दो पहलू है, यदि आप आघात करेंगे तो मरणिन कारकत्वात् मर्म या मारयन्ति इति मर्माणि, और यदि आप उसको ठीक से डील करेंगे तो वो आपकी चिकित्सा में काम आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इसके लिए कि ऊर्जा, प्राण ऊर्जा के गमन से ही हम जीवित हैं, और प्राण ऊर्जा को आप किसी समय विशेष में कहीं पर लोकेट करना हो तो उसके लिए मर्म स्थानों से बेहतर कोई स्थान नहीं है। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि बिजली कहीं पैदा होती है, बिजली न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा होती है, या बिजली कहीं भी किसी हाइड्रो प्रोजेक्ट से पैदा होती है, या फिर किसी थर्मल वहां से पैदा होती है, और वो हमारे घरों तक विभिन्न चैनल्स को क्रॉस करके जाती है, जिसमें ग्रिड होता है, फिर ट्रांसफॉर्मर होता है, फिर हमारे घर में पहुंचने के बाद भी बल्ब या पंखा तभी चलता है जब केवल और केवल आप सही स्विच को दबाते हैं। अगर आप इस बात को अपने शरीर से सोचें तो हमारा शरीर भी एक प्रकार से ब्रह्मांड या फिर हमारे द्वारा बाहर की गई रचनाओं का ही एक प्रतीक है। जो मशीन बाहर आप देखते हैं, जो ईश्वर ने बाहर रचना की है, वही रचना हमारे शरीर के अंदर भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। तो यदि आप देखें तो हमारे शरीर में भी वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह होता है जैसे कि आपके शरीर बाहर, शरीर से बाहर ऊर्जा का प्रवाह होता है। वो ऊर्जा बाहर जीवन बिताने के लिए जितनी ही आवश्यक है, उतनी ही हमारे शरीर के अंदर भी जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो अब आप सोचेंगे कि यदि आपको किसी अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, मैंने कल आपको ये एग्जाम्पल दिया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम सेशन को बढ़ा सकते हैं पर हम शॉर्ट नहीं कर सकते। यदि आपको किसी ऐसे कमरे में रख दिया जाए जहां बिजली है, जहां करंट है, लेकिन आपके सारे स्विचेस ऑफ हैं, अगर आपको पता ना हो, आप उस अंधेरे कमरे में जाएंगे, आप लाचार हो जाएंगे, आप न तो बल्ब जला पाएंगे, ना आप पंखा चला पाएंगे, ना आप एसी चला पाएंगे, आपको उसको खूब अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए। तो ये एक ऐसा ही विज्ञान है, ऐसा ही शास्त्र है जिसमें आज तक जितने भी हम लोग थे वो एक गुप्त अंधेरे में थे। हमारे शरीर में ही वो प्रकाश बिजली के समान दौड़ रहा था, जैसे हमारे घरों में बिजली करंट के समान दौड़ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं था कौन सा स्विच दबाएंगे तो पंखा चलेगा, कौन सा स्विच दबाएंगे तो एसी चलेगा, कौन सा स्विच दबाएंगे तो हम बल्ब जलाएंगे। तो बात यही है, हम आज तक इस विद्या को जानते नहीं थे और इस विद्या के बारे में इतना तो बताया था महर्षि सुश्रुत ने, हाँ ऐसा स्विच है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उस स्विच को हाथ लगाओगे तो करंट लग जाएगा और मर जाओगे। इसी वजह से, क्योंकि वो सर्जन थे, पर उन्होंने उन स्विचेस का नाम दिया, उन स्विचेस को कहा कि ये पंखा चलाने वाला स्विच है, ये बल्ब जलाने वाला स्विच है, ये जो है आपको सबसे बड़ा स्विच है जो आपके घर का पूरा एसी कंट्रोल करेगा, उसका नाम दे दिया, पर ये नहीं बताया कि स्विच को दबाओगे तो बल्ब जलेगा, नाम छोड़ दिया। कारण पता था कि मानव जो है उसके हाथ में अगर कोई गलत चीज गलत ढंग से लग गई तो वो उसके अच्छे उपयोग की जगह दुरुपयोग कर सकता है। जैसा कि आज खबरों में आपने सुना होगा कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान की लेबोरेटरी से बाहर निकला और म्यूटेट होकर के इतना हार्मफुल हो गया, वो एक रिसर्च का फेलियर प्रोडक्ट है, ये आपने आज सुना होगा। तो ऐसे ही मर्म विद्या और मर्म विज्ञान के दुष्प्रभाव होने के बहुत खतरे थे, इसीलिए महर्षि सुश्रुत ने इसे मारयन्ति इति मर्माणि कह करके इन बिंदुओं को सीड गार्ड करने के लिए अपने माइक को म्यूट कर लें। मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप मुझे सुने जी, आप अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। मैं आपके नाम से पुकार रहा हूं और मैं आपको रिमूव करूंगा अगर आपने अपना माइक म्यूट नहीं किया, या तो आप इस सेशन को छोड़ के चले जाएं। The person who is talking, I am requesting that please either you leave the meeting or just stop your mic, mute your mic. You are disturbing to all of the other delegates. This is not good. मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि please mute your mic if you are not interested and I am not invited you. You just come with your choice. मैं किसी को force नहीं कर रहा हूँ. You have filled a form, Google form,
and enlisted and enrolled and come here. I'm not forcing to anybody to learn here. Yes. So please follow the disciplines, whatever I am telling to you, with due respect. तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये महर्षि सुश्रुत ने इसके बारे में इंडिकेट किया. तो जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो लोग जानते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा महर्षि सुश्रुत की जो टीका लिखी है, भास्कर गोविंद घाणेकर ने लिखी है, सारी राजस्थान की टीका. भास्कर गोविंद घाणेकर एक एलोपैथिक सर्जन थे जो जिन्होंने इन 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 इनको बहुत एक्सप्लोर किया और उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई. तो ये बात पता चली, अंदाजा लगा हमारे तमाम सारे एक्सपर्ट जो सर्जरी करते थे, उनको समझ में आया कि हाँ शरीर में ऐसे वाइटल पॉइंट्स तो होते हैं. और चूंकि महर्षि सुश्रुत ने उनका नाम कुछ इस तरह का दिया जिससे अंदेशा और अंदाज ये लगने लगा कि इनके नाम के पीछे ही कोई रहस्य छुपा हुआ है. अब आपको पीछे, आप थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो आपको विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का इतिहास अगर आप देखें तो आयुर्वेद का इतिहास 5000 से 6000 साल पुराना है. मैं आपको पीपीटी दिखा सकता हूं, पर मैं पीपीटी अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं एक्सटेम्पोरी आपको समझाऊंगा. 5000 से 6000 साल पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है. अगर आप एलोपैथ की का इतिहास देखें तो वो 200 से 300 साल पुराना है. तो क्या आपको लगता है कि हमारी मानव सभ्यता 5000 और 6000 साल पुरानी ही है? जी नहीं, हमारी मानव सभ्यता उससे भी पुरानी है. तो क्या उस वक्त लोग बीमार नहीं होते थे? क्या उस वक्त लोग कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेते थे? जी हाँ, लेते थे. वो वैदिक चिकित्सा पद्धति थी. वेद सबसे बड़े ग्रंथ थे. वेदों में इस बात का उल्लेख है, जो लोग वेद को पढ़ते हैं, जो लोग पूजा पद्धतियों में देखते हैं, विश्वास करते हैं, वो इस बात को गौर करते हैं कि हमारी तमाम रिचुअल्स में हम अपने मर्म स्थानों को टच करते हैं, मर्म स्थानों को छूते हैं और ईश्वर के सामने ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा गुल्फ मर्म, हमारा मणिबंध मर्म, हमारा अंश मर्म में आप आए, आप स्थापित हों और आप हमें सुरक्षित रखें. ऐसे मंत्र बहुत सारे ग्रह शांति के रेफरेंस में, दुर्गा सप्तशती के रेफरेंस में आपको हमारे तमाम सारे ग्रंथों में इस तरह के संदर्भ मिलते हैं. पहला पार्ट तो ये हुआ. दूसरा पार्ट अगर आप गौर करें तो हम जो भी हम चीजें अपनाते हैं, यदि हम कलावा बांधते हैं हाथ में तो कलावा हम क्यों बांधते हैं हाथ में? हमने इसे जरूरी क्या थी इसको बांधने की या हाथ में? इसको मणिबंध या कलावा कहते हैं. क्यों नाम दिया गया मणिबंध? यदि हम जनेऊ पहनते हैं तो कान के पीछे ही उस जनेऊ को जो मूत्र विसर्जन करने जाते हैं तो क्यों उसको बांधते हैं? यदि हम बाल उतरवाते हैं तो हम पूरे सिर का बाल उतार देते हैं, पर एक निश्चित जगह को हम क्यों छोड़ देते हैं? क्यों हमारी महिलाएं, क्यों हमारे लोग पूजा के समय में अपने मस्तक पर यहाँ एक बिंदी या चंदन लगाते हैं? क्यों हमारे लोग अपने कान के पीछे चंदन लगाते हैं? What is the logic behind this? So this is the logic, not this is the logic is the set. This is a great science, that is the marma science. These are the vital points where if you touch, it means indirectly you are stimulating these points or in points को आप stimulate करके आप अपने उन स्विचों को दुरुस्त रखते हो. उदाहरण देता हूं मैं, आप जैसे कभी अभी लॉकडाउन का पीरियड है, आपके घर में आपकी गाड़ी खड़ी होगी 10-12 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से आप कहीं नहीं जा रहे होंगे, लेकिन आपने गौर किया होगा यदि आप उस गाड़ी को स्टार्ट नहीं करोगे, उसको रोज आपने सेल्फ स्टार्ट नहीं किया तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और वो गाड़ी आपको स्टार्ट नहीं होगी. बैटरी उसको आपको ले जाना पड़ेगा, बैटरी को उसको फायर प्लग से स्टार्ट करने के लिए आपको उसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा. सेम शरीर में भी वही चीजें हैं. हमारे शरीर में ईश्वर ने स्विचेस दिए हैं जो मर्म बिंदु की तरह हैं. हमें उन स्विचेस का पता नहीं है. जैसे कि हम एक अंधेरे कमरे में हैं, बिजली गुजर रही है तारों से, पर हमें ये पता नहीं है कौन सा स्विच किस चीज को जलाता है. हम अंधेरे में हाथ मारेंगे तो कहीं पंखा चलेगा, कहीं फ्रिज चल जाएगा, पर लाइट नहीं जल पाएगी. तो यही चीज मर्म विद्या है, पहली चीज. दूसरी, तो इसका मतलब ये है कि ये वैदिक साइंस है. दिस इज अ वैदिक साइंस. वेद इसके जो हैं वो सोर्सेस हैं, इस नॉलेज के सोर्सेस हैं. दूसरी बात, ये एक स्पिरिचुअल साइंस है. यदि हम देखें तो आयुर्वेद या फिर जो भी विधाएं हैं, इन सब के ओरिजिनेटर आपने पढ़ा होगा कि लॉर्ड ब्रह्मा हैं. भगवान ब्रह्मा से उत्पत्ति आयुर्वेद की भी मानी जाती है. यानी कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं. यानी कि इसका अर्थ ये नहीं कि कोई ब्रह्मा, कोई ईश्वर. ब्रह्मा मीन्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस कॉस्मस दिस साइंस इज प्रेजेंट. मीन्स जब से ये कॉस्मस ओरिजिनेट हुआ,
ये विज्ञान इस धरती पर रहा। ये विज्ञान किसी के द्वारा रचित नहीं है, ये विज्ञान पहले से ही था, है और आगे भी रहेगा। ये इसकी एक इंट्रोडक्टरी आपको मैंने रिमार्क दिया। दूसरी चीज आपसे आपके मन में प्रश्न आएगा कि ठीक है सर, आपने ये बात तो बता दी कि ये साइंस थी, और ये साइंस फिर क्यों नहीं आज तक हमारे टेक्स्ट में इनका वर्णन आया? तो इसका उत्तर यही है कि इसका वर्णन इसीलिए टेक्स्ट में नहीं आया। हमारी बहुत सारी विज्ञान जैसे कि दैवपाश्रय चिकित्सा, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चिकित्सा विधाएं थी जो कालांतर में प्रयोग में ना आने और साथ साथ दुष्प्रभाव के चांसेस होने के कारण लुप्त हो गई। उदाहरण में देता हूं दैवपाश्रय चिकित्सा। आज भी आप जाएं गाँव में, पर्वतीय क्षेत्रों में, अवैज्ञानिक भले ही कही जाए, पर मानसिक रोगों की चिकित्सा में दैवपाश्रय चिकित्सा से बेहतर कोई चिकित्सा नहीं है। लेकिन क्योंकि लोगों ने उसका दुरुपयोग या फिर गलत इस्तेमाल करना शुरू किया और वो चिकित्सा विधाएं कालांतर में झाड़ने और फूकने तक सीमित हो गई और वो लुप्त हो गई, जिसके बारे में BHU में अभी हाल में एक कोर्स प्रारंभ करने की बात की जा रही थी। ऐसे ही मर्म विद्या के साथ क्या हुआ कि 107 मर्म महर्षि सुश्रुत ने बताए, लेकिन लोगों ने उन मर्म बिंदुओं का प्रयोग मार्शल आर्ट के रूप में किया, दूसरों को यानी युद्ध में अपने आप को, अपने दुश्मनों पर को पराजित करने में किया, अपने दुश्मनों को आघात करके युद्ध करने में किया, अपने दुश्मनों को समाप्त करने में किया, और वो मर्म कलारी मर्म के रूप में केरला में एक मार्शल आर्ट की टेक्निक के रूप में डेवलप हुआ। आपको जानकर ये बड़ा ही अजीब सा लगेगा कि बहुत सारे लोग केरल में कलारी मार्शल आर्ट को बहुत बड़ी विद्या के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं ये इसका एक पार्ट था, ये एक पार्ट था और इस पार्ट के ही प्रोपागेट होने की संभावना ज्यादा थी। जैसे कि आपको पता होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की ज्यादा चांसेस होते हैं अपेक्षाकृत उसका पॉजिटिव इस्तेमाल की, वैसे ही इसके चांसेस थे कि इसका गलत इस्तेमाल होगा। इसीलिए इस साइंस को हिडन साइंस के रूप में लोग इसका प्रैक्टिस करते थे, अपने बहुत विश्वस्त लोगों को समझाते थे, सिखाते थे, जो लगता था कि नहीं ये आदमी स्पिरिचुअल है, ये इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और ये प्रॉपरली ऑथेंटिकेट है, कॉम्पिटिटिव है, ये सीखने के योग्य है, इसको उपनीय कहते हैं, उपनीय है, तो उसी को ये ज्ञान और दिया जाता था। वर्तमान समय में अगर आप देखें इसका क्या, मैंने ये परिचय दिया। दूसरा आपको कुछ संदर्भ देता हूं मैं, क्योंकि ये दोबारा मैं इसको उस दिन सही से नहीं हो पाया था, इसलिए मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं आपको। यदि आप गौर करें हमारे शास्त्रों में इतिहास मिलता है, अगर आप देखें तो रामायण आजकल दूरदर्शन पर आ रहा है, रामायण में अगर आप देखें तो लंका अधिपति रावण की मृत्यु कहाँ हुई, उसका प्राण कहाँ निवास करता था, तो आपने आपको पता होगा नाभिस्त प्राण पवनम प्रस्वाहत कमलांतरम, ये बात एक रेफरेंस में आई हुई है, नाभिस्थ प्राण पवनम स्पृष्ट्वाहत कमलांतरम पीत्वा च अंबुर पीयूषम, यानी कि नाभि में प्राण का निवास होता है, ये बात संदर्भों में लिखी हुई है, यानी कि प्राण की ऊर्जा को किसी समय विशेष पर आप हृदय वस्ति नाभि इन जगहों पर देख सकते हैं। जब रामचंद्र जी रावण से रामायण का युद्ध चल रहा था, तमाम सारे बाण उनको उनकी उसके मर्म बिंदुओं को विद्ध कर रहे थे, लेकिन उससे रावण की मृत्यु नहीं हो रही थी, तो जाके पता चला कि रावण का प्राण तो एक स्थान विशेष नाभि मर्म पर स्थित है, तो उसको बताया गया, उन्होंने फिर नाभि मर्म पर ही उस तीर से शल्य आघात किया और लंका अधिपति रावण की मृत्यु हुई। पहला एग्जाम्पल तो ये है मर्म विद्ध और मर्म विज्ञान का। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है, अगर आप देखें तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आज के समय में तो ये कितना रेलेवेंट हो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन श्रवण कुमार का नाम आपने सुना होगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के प्रति बड़े ही आसक्त थे, वो उनकी सेवा में लगे रहते थे, तो वो तीर्थ कराने के लिए अपने माता पिता को ले जा रहे थे जो वयोवृद्ध थे, नेत्र से भी हीन थे, दिव्यांग थे वो और सुन भी नहीं सकते थे। रास्ते में आपने ये कहानी सुनी होगी, रास्ते में ही उन्होंने अपने उस माता पिता को प्यास लग रही थी तो घड़े से पानी लेने के लिए गए, इतने में दशरथ जो है वहाँ शिकार करने के लिए जंगल में आए थे, उन्होंने गलती से उसे मृग पानी पी रहा है करके
जो है बाण चला दिए और वो बाण श्रवण कुमार के इस जगह पे लगे, इस जगह पे। और जब बाद में दशरथ नजदीक आए तो उन्होंने देखा कि ये तो कोई व्यक्ति जो है उसको मेरी तीर लग गई है, मैं क्या करूं। सोचा तो कहा कि ये तो मेरे पाप का एक माध्यम बन जाएगा। उन्होंने उस तीर को सीधे खींचा और निकाल दिया, जो एक विशलग्न वर्म पर आघात हुआ था। विशलग्न वर्म आप पढ़ेंगे तो विशलग्न वर्म जहां पे अगर मर्म विद्ध हो जाए और आपने उस शल्य को बाहर निकाल दिया तो व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो श्रवण कुमार की उस स्थपनी मर्म पर आघात और उस शल्य को बाहर निकालने से तत्काल मृत्यु हुई, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल, अगर आप कृष्ण भगवान की मौत मृत्यु का आप अगर देखें सिनेरियो, तो कृष्ण भगवान को बहेलिये का तीर लगा था। बहेलिया एक पक्षी को मारने वाला शिकारी होता है और आप उनकी डिमाइस की फोटो देखें, वो तीर सीधे उनके पैर के पाद तल हृदय मर्म पर लगा था, जिससे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। ये तीसरा रेफरेंस आपको शास्त्रों में मिलता है। इसके अलावा ये तो रही हमारी हिंदू साइंस की। अब मैं क्रिश्चियनिटी में चाहो तो आप जीसस क्राइस्ट को देखो, जब सिलाब पे लटकाया गया वो चित्र आप देखें और याद करें, तो उस चित्र में उनकी मणिबंध पर कील ठोका गया और उनको सीधा इस तरह से लटका दिया गया, यानी कि उनके मणिबंध को विद्ध करके उस पे और तल हृदय पर कील ठोक करके उनकी मृत्यु हुई, यानी मर्म विद्ध का ये भी एक इतिहास आपको पुराने हमारे होली ग्रंथों में मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें ना तो फिलिप ह्यूज एक क्रिकेटर थे, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनकी ग्राउंड इंजरी हुई है और उनकी डेथ हुई, जिसमें रमन लांबा भी एक नाम आता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे बॉक्सर्स हैं जिनको शंख मर्म पर हिट करने के बाद या तो उनकी कॉन्शियसनेस चला गया या फिर उनकी ब्रेन का फंक्शंस लूज हो गया, ये आपको दिखता है। ये तो रहा एक पार्ट। इसके अलावा आपने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा होगा कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सिर पे चोट लगी और सिर पे चोट लगने के बाद उनकी तत्काल मृत्यु हो गई, और कुछ लोगों को सिर पे चोट लगी और लगने के बाद भी वो व्यक्ति उतना ही बिल्कुल नॉर्मल रहा और कुछ समय के बाद वो उसकी मृत्यु हुई, और कुछ व्यक्ति को बहुत चोट लगी और वो फिर भी नॉर्मल रहा। ये बात आपने और हमने अपने दैनिक जीवन में भी इस बात को देखा है कि ऐसा प्रायः होता है। अर्थ इसका ये है कि ये सभी उदाहरण आपको बताते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे कुछ कुछ बिंदु हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जिन बिंदुओं पर अगर आघात हो जाए, यदि ज्यादा चोट लग जाए या वो विद्ध हो जाए और अगर सही ढंग से डील नहीं किया गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इससे मर्म विद्या को परिभाषित किया गया। तो अब मैं आता हूँ आपके इंट्रोडक्शन के बाद, आपके सिलेबस में है ये, आपके सिलेबस का था पहला लेक्चर, मैंने इसको रिपीट किया है, कल से मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो मर्म कितने होते हैं, अब सवाल आता है कि हाउ मेनी स्विचेस आर इन अवर बॉडी। और दूसरी चीज, कई लोग आपसे सवाल करते हैं, मैं सारे सवाल का उत्तर आपको देता हूँ, क्या एक्यूप्रेशर भी तो यही है, एक्यूपंक्चर भी तो वही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्यूपंक्चर हो चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे दुनिया की कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल पैथी जिसमें बिंदुओं का उत्प्रेरण होता है, वो सारे के सारे हमारे ही विद्या से निकले हुए हैं। इसलिए आपको हमारी अपनी विद्या पर गर्व होना चाहिए और आपको ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हाँ, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में जो इस तरह की विद्या का वर्णन है, उसी विद्या से सारी विद्याएं निकली हैं। ये बात जरूर है कि लोगों ने उसमें कुछ 10-20 पॉइंट्स जोड़ दिए होंगे, पर मूल रूप से जो बातें महर्षि सुश्रुत ने लिखी है वो बातें आज भी उतनी ही सत्य हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि छेदन, भेदन, एशन, आहरण, विश्रावण और सीवन के अलावा शल्य की आज कोई नई टेक्निक ऐड नहीं हो पाई है जो महर्षि सुश्रुत ने बताई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये विज्ञान बहुत ही प्राचीन है, टाइम टेस्टेड है और ये हमारे शरीर के ही अंदर स्विचेस के रूप में प्रेजेंट है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इसके साथ साथ कि 107 मर्म बिंदु होते हैं, एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा। एक्यूप्रेशर इज अ डिफरेंट साइंस, मर्म साइंस इज अ डिफरेंट साइंस। डोंट कोरिलेट एंड कम मिक्स विद दिस साइंस। आवर साइंस इज ग्रेट साइंस, सो बी प्राउड ऑन आवर साइंस। सेकंड थिंग इज दैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूप्रेशर एंड द मर्म साइंस। वी डोंट यूज एनी इंस्ट्रूमेंट्स, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं करते, हम अपनी उंगलियों से उन स्विचेस को स्टिमुलेट करते हैं। तो कितने स्विच होते हैं, 107, ये हमारे स्विचेस होते हैं, 107 स्विच होते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 107 स्विचेस नहीं दबाए जाते हमारे शरीर, हमारे घर में बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं। कहीं पर आपने देखा होगा कि वायर के जंक्शंस लगे हुए हैं, कहीं पर आपको नीचे जो है मीटर के पास जो है बड़ा सा वो लगा हुआ है, वोल्टेज दर्शाने वाला लगा हुआ है, कहीं पर फ्यूज लगा हुआ है, कहीं पर आपको तमाम सारे अलग अलग बड़े, अगर बहुत पावर सप्लाई चाहिए तो बड़े बड़े आपको वो लगाने पड़ते हैं, वोल्टेज चेंज करने के लिए वोल्टेज चेंज। क्या आप सबको दबाते हैं? आपको जो जरूरत है, आपको बल्ब जलाना है तो बल्ब का स्विच दबाते हैं, आपको पंखा चलाना है तो पंखा का स्विच दबाते हैं, आपको पंखा चलाना है तो बल्ब का स्विच नहीं दबाते, आपको एसी चलाना है तो कूलर का स्विच नहीं दबाते। अगर आप और दूसरी चीज एक बात और गौर करो, अगर आप उन स्विचेस को गलत तरीके से दबाओगे, यदि आप स्विच को दबाने के लिए आपको 20 उंगली का सहारा लेना पड़ता है और आप दबा देते हो स्विच दब जाता है, क्या आप मुक्का मारते हो उसको या हथौड़ा से स्विच को दबाते हो? जी नहीं। तो अगर आप यही चीज मर्म विज्ञान है, यानी उन स्विचेस को जानना है, उन स्विचेस को उपयोग को जानना है, जो हम आपके साथ घंटे के लेक्चर्स में आपको ये बताएंगे और आपके साथ बने रहेंगे। आपसे फिर अनुरोध है, आपने बहुत बढ़िया से आज हमारे सेशन को अटेंड किया, अब मैं आप सभी के माइक को, हमारे पास समय जो है 8 मिनट है, वो अनम्यूट करता हूं मैं, और मैं आपसे आपके इस सेशन से संबंधित आगे के कोई सवाल नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वो जाना है आपको आगे आगे धीरे धीरे, सिलेबस आपके पास है और मैंने कल आपको वो सिलेबस पूरा डेमोंस्ट्रेट किया था। तो मैं आप सभी के माइक को अनम्यूट करता हूं, 50 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने आज इंट्रोडक्शन ऑफ द मर्म साइंस दिया। यदि आपको इसमें इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसको मैंने रिकॉर्ड किया है इस प्रोग्राम को, आई विल अपलोड दिस प्रोग्राम इन यूट्यूब ऑल्सो बट नॉट दिस टाइम। अगर मैं कर दूंगा सारे यूट्यूब पे देखेंगे और सारे गुरु बन जाएंगे और सब गुरु गोबर करेंगे। जी, अब आपका मैं माइक जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई आपको सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। नाउ यू आर अलाउड टू ओपन योर माइक एंड द कैमरा ऑल्सो। अब आप अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं और मुझसे 7 मिनट के अंदर सवाल पूछ सकते हैं, और या फिर आपको आप सवाल वैसे लिख के पूछना चाहें तो यू कैन आस्क विद मी, मैं चैट बॉक्स खोलूंगा और मैं एक एक का जवाब दूंगा। पूछिए आप इस सेशन से रिलेटेड सवाल। नमस्ते सर। यस नमस्ते सर। आपने कहा डेफिनेशन में मारयंती इति मर्माणि करके, जी, लेकिन पारे मर्म तो मारने वाला नहीं होता है, फिर भी मतलब वही स्पेसिफिकली क्या पूछा आपने? बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, यही सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि सर मर्माणी है, सारे मर्म तो मारने वाले नहीं होते हैं ना, यही तो पूछा ना आपने। आपका सवाल यही है, हाँ ये बहुत कॉमन सवाल है, ये आपसे रूटीन सवाल पूछा जाता है, बहुत सही है, सारे मर्म मारने वाले नहीं है। मैडम आपका नाम, बड़ा नाम भी जान लूं मैं? सर वास्तवी सर। डॉक्टर वास्तवी, सारे मर्म मारने वाले नहीं है, बिल्कुल सही है आपको आज बहुत, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि कोई भी मर्म ऐसा नहीं है, आप इस बात को नोट कर लें, डायरी में नोट कर लें, कोई भी शरीर का मर्म बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर आघात कर आप सद्य प्राण हर्म वेदना कालांतर प्राण हर्म वैकल्य कर रुझा कर या विसलग्न, कोई भी मर्म ऐसा नहीं है। मर्म को जो क्लासिफाई किया गया है तो सद्य प्राण हर मर्म बताए गए हैं, यानी कुछ मर्मों पर आघात से तत्काल मृत्यु हो जाती है, ठीक करेक्ट समझ में आई बात, कुछ मर्मों पर आघात से कुछ समय बाद मृत्यु होती है। दूसरी बात, कुछ मर्मों पर आघात से विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। तीसरी बात, कुछ मर्मों पर आघात से परमानेंटली रुझा उत्पन्न हो जाती है, वेदना उत्पन्न हो जाती है। और चौथी बात, कुछ मर्मों पर आघात से विषलग्नता होकर के मृत्यु हो जाती है। तो 107 मर्मों के क्लासिफिकेशन में कौन सा मर्म बिंदु ऐसा मिला आपको जिस मर्म को ये कहा गया हो कि ये मर्म पर आघात करो और खतरा नहीं है? हर मर्म बिंदु खतरा है, हर स्विच खतरा है, बसरते निर्भर ये करता है कि आप आघात कैसा कर रहे हैं, इसलिए मारयंति इति मर्माणि कहा गया। हाँ सर, हाउ डिड सुनील जोशी सर डिस्कवर्ड मर्म साइंस? देखिए सुनील जोशी सर या नवीन जोशी सर या कोई भी एक्सपर्ट सर कभी ये नहीं कहते, हमारे गुरु रहे हैं उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आई हैव डिस्कवर्ड दिस साइंस, आई एम नॉट नाइदर माय गुरु नाइदर यू नाइदर अदर पर्सन हु डिस्कवर्ड दिस साइंस, हु एम आई टू डिस्कवर दिस, आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन, कौन हूं मैं जो इसको डिस्कवर करूंगा?
भाई आयुर्वेद को डिस्कवर किया जा सकता है? एक बार बताओ, आयुर्वेद तो था ना, इसको सब जानते थे, इसको सब प्रैक्टिस भी करते थे, बस इसको लोग बताते नहीं थे, इसको एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करते थे। जो लोग जैसे नाड़ी विज्ञान, नाड़ी विज्ञान को कोई डिस्कवर करेगा? नाड़ी विज्ञान तो लिखा हुआ है कि आप नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दीर्घ आकृति, पर कितने लोग नाड़ी विज्ञान का प्रैक्टिस करते हैं, कितने लोग सिखाते हैं, कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते ना, प्रैक्टिस नहीं करते। इसीलिए तो सर ने क्या किया, इस विधा को जो है एक्सप्लोर किया, प्रचारित किया, प्रसारित किया, सिखाया आप लोगों को, प्रचार किया, हमारे जैसे शिष्य तैयार किए जो आज इस तरह के नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं। सर डू हैव टू रिज्वाइन, क्या आपने पूछा है इसके बाद? बहुत समय कम है हमारे पास, रिज्वाइन द सेशन 40 मिनट्स आई थिंक कैन बी रिन्यूड। नो नो नो, बिकॉज द अदर सेशन, द एडवांस सेशन, मैं बहुत सुबह से बिजी हूँ मेरे भाई, क्योंकि सुबह से मैंने 6 लेक्चर्स कंडक्ट कराए हैं फेसबुक पे, और सारे विद्वान लोग थे पर वो टेक्निकली बहुत साउंड नहीं थे, तुमको यहाँ से हेल्प किया मैंने, और अभी आपके पास दूसरा एडवांस सेशन है, और फिर अपनी भी कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो मैं इसको 1 घंटे पे ही रखूंगा। 7 घंटे का मैंने कोर्स डिजाइन किया है आपको, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि समय भी यही रहेगा, आप निश्चित मानिए, आपको ईमेल से लिंक मैं रोज भेजूंगा, आपको लिंक मिलेगा, समय भी निश्चित रहेगा, आप इसमें जरूर आएंगे, और मेरा दावा है आप पता कर लेना, जिन्होंने इससे पहले बिगिनर्स क्लास अटेंड करी है आज वो मर्म सिखा रहे हैं इस जूम पे, आज उसमें से एक स्टूडेंट आप उसका लेक्चर है, कल एक डॉक्टर थी अजयिता, उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया, हम प्रेजेंटेशन करवाते हैं उनसे, हमारा सेशन बहुत साइंटिफिक है ये, मैं दावा करता हूँ कि अगर आपने इसको अटेंड कर लिया तो आप एडवांस में भी जाएंगे और आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने लॉकडाउन के बाद एक मर्म चिकित्सक बन के आप क्लिनिक में बैठेंगे। जी आपका और कोई सवाल हो तो पूछिए। तो सर ने नहीं डिस्कवर किया ना हमने किया कि भगवान शिव की विज्ञान है, इसके जो प्रणेता है आदि योगी भगवान शिव है, शिव के द्वारा साउथ में भी इसको माना जाता है कि अगस्त के पास ये ज्ञान गया, और उसी प्रकार से भगवान शिव के द्वारा ही दिया गया ये ज्ञान है, इसीलिए हमारे गुरुजी ने भी अपना जो फाउंडेशन बनाया उसका नाम महा मृत्युंजय मिशन रखा है, शिव से रखा है। तो अगर आप मर्म विद्या को सीखना चाहते हैं तो आपको शिव में आपकी भक्ति होनी चाहिए, शिव इसके प्रणेता है। हाँ, हम लोग सर लोग इसको प्रचारक हैं, इसके हम क्या हैं, इसके ध्वजवाहक हैं, हम इसका झंडा उठा के चल रहे हैं, हमने इसको नहीं डिस्कवर किया, हमने इसके कुछ नहीं किया, हम सेवक हैं, आप भी करेंगे, आपने हमने जैसे कि टेक्नोलॉजी बनी ना आज, जूम ने टेक्नोलॉजी बना दी, देखो आपने जूम ने आज टेक्नोलॉजी बना दी, जूम का कितना बड़ा बिजनेस हो गया। अब हमने शिफ्ट करने का प्रयास किया दूसरे में वो सर्विसेज ही नहीं है, तो हमने फिर वापस जूम में आना पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये टेक्नोलॉजी है, आप सीखें इसको, अच्छे से सीखें, सही ढंग से सीखें, और इसको आगे ट्रांसफर करें, तो आप भी इसके ध्वजवाहक हो जाएंगे, तो आप भी इसके वो हो जाएंगे। पर इसको डिस्कवर हमने और किसी ने नहीं किया, ये साइंस ऑलरेडी थी। हाँ, इसको एक्सप्लोर किया, इसको प्रोपेगेट किया, जो हम कर रहे हैं आप भी करेंगे, आप अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आप भी कर रहे हैं ना कहीं से, आप भी उस यज्ञ में जुड़ गए, तो ये एक यज्ञ में हम सभी आहुति दे रहे हैं। इस यज्ञ का सबसे बड़ा उद्देश्य है केवल चिकित्सा ही नहीं है, इसका उद्देश्य जीवन की रक्षा भी है, प्रिवेंशन भी है। तो एक मिनट हमारे पास है, एक छोटा सवाल लें, सेशन समाप्त करते हैं। जी एनीवे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411137993 पर आप डाल सकते हैं, ऑडियो मैसेज से, वीडियो मैसेज से, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। कल हम फिर मिलते हैं, हमारा 1 घंटे का सत्र, 45 मिनट का सत्र, ये बहुत अच्छा रहा, कोई इसमें हर्डल नहीं आया, ये पूरा सत्र रिकॉर्डेड है, हम इसको यूट्यूब पे डालेंगे। आप सभी का धन्यवाद, हम फिर कल इसी समय मिलेंगे, आपको लिंक शेयर की जाएगी, अपनी ईमेल को चेक करें, और आपके कोई प्रश्न हो तो आप adfindia.in@gmail.com पर मुझे पूछ सकते हैं, मैं मेल से भी जवाब दूंगा, मैं व्हाट्सएप से भी जवाब दूंगा, मैं आपको इसकी पीपीटीज भी शेयर करूंगा, ये जो आपका वीडियो है चूंकि सही रिकॉर्ड हुआ है इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। तो आप सभी का धन्यवाद, फिर हम कल मिलते हैं।